घुस जाना है एक इवेंट में। निकाले थे ना तुमने 500 रुपए? मेरे पीठ पीछे गलत काम कर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो सारे? आई होप सारे मस्त फिट मजे में हो। ये लाइन ना मुझे वैसे पसंद है नहीं, बट मेरी मम्मी मेरे को जबरदस्ती ऐड करवाती है, कहती है सारे यूट्यूबर्स पूछते हैं तू भी पूछा कर, तो गाइस इसलिए मैं पूछती हूँ। बाकी सब ठीक ही हो गया अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो। एनीवे, अभी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है एक इवेंट में और मैं बहुत लेट हूँ वैसे तो, बट मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था। मैं बड़े पैनिक मोड में होती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, तो वैसा ही मोड अभी मेरा ऑन है। मम्मी को मैंने सामने खड़ा कर रखा है कि मम्मी फटफट इंट्रो करवाओ मैं जाऊँ। तो अभी मेरे को जाना है एक इवेंट में, मेरी स्कूल की सीनियर ने इनवाइट करा है मुझे। अदरवाइज मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानती हूँ, सिर्फ मैं उनके कहने पे जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। अगर मैं बोर होती हूँ तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, और अगर मैं बोर नहीं होती हूँ तो मैं जल्दी नहीं आऊंगी, तो मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगी। बाकी मैं रेडी हुई हूँ थोड़ा बहुत, तो बताना कॉमेंट करके कैसी लग रही हूँ। अच्छा ही बोलना, अदरवाइज तो मैं डिलीट मार देती हूँ। तो चलो अभी मैं फिर पैनिक कर रही हूँ, रिलैक्स। पापा के साथ जा रही हूँ मैं, पापा और जो चाचा है मतलब ताऊ जी है मेरे, उनको कहीं जाना ही था, तो मेरा ये डिसाइड हुआ कि वो मेरे को छोड़ मतलब थोड़ा आगे चले जाएंगे। अब क्या मैं कैब करूँ, फिर कैंसिल करूँ, फिर कैब करूँ, इससे अच्छा है कि पापा छोड़ गए और थोड़ा कंफर्टेबल भी फील होता है। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ गाइस। पैनिक पता नहीं क्यों करती हूँ, मुझे कहीं भी जाना होता है क्योंकि पता नहीं मैं उतना बाहर नहीं जाती हूँ नए नए लोगों के बीच में, तो मैं जब नए लोगों से मिलने जाती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है। वैसा ही मुझे अभी लग रहा है कि मैं किसी को नहीं जानती, पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचता हो। पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, चलो चलते हैं। मैंने रियलाइज किया जल्दबाजी में मेरे ना शू का स्टिकर भी नहीं निकला हुआ, और मेरे नेल्स, मम्मी ने निकाला, मेरे नेल्स बहुत बड़े, मम्मी प्लीज ये वाला भी इसका भी निकाल दो स्टिकर, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत बड़े निकलता नहीं। मतलब प्राइस टैग के साथ जा रही हूँ मैं, फटफट कौन देखेगा भाई ऐसे नहीं, बट जब चलते हैं तो दिखता है। मेरा मैचिंग मैचिंग बैग दे दो तो फटफट। हाँ तुमसे भी मैच कर रहा है, तुम चल नहीं रहे यार, लेकिन पर चलो कोई नहीं, बैग खुल गया। थोड़ा पैसे डाल देते ना इसमें तो मजा आ जाता। किसके पैसे? तुम्हारे? मेरे पैसे नहीं, अपने पैसे डालो भाई, मेरे पैसे। मम्मी चोरों को बता रहे हो कि घर में कहाँ आना है। 2000 ले जाएगा। तो 2000 रुपए पैसे नहीं होते, अंदर रखो। क्या कह रहे होंगे इवेंट वाले भी, कह रहे होंगे किसको बुला रहे हैं। गाइस रियल रखते हैं व्लॉग, अब क्या कर सकते हैं। चलो निकाले थे ना तुमने 500 रुपए ऐसे। चल गाइस ये मैंने पहना है, कैसे दिखाऊं, बैठ जाऊं। ड्रेस पहनी है मैंने गाइस। पापा कह रहे हैं क्या कर रहे हैं दोनों एकदम बिल्कुल ही। आगे अभी चाचा आएंगे तो इसलिए मैं पीछे बैठी हूँ। चाचा के लिए सीट आगे कर दो, अपने हिसाब से कर लेंगे, तभी हम चल रहे हैं। मैं लोकेशन भेज दूँ, अभी आएगा। तुम्हारे फोन पे मेरे को क्यों बता रहे हो, मैं तुम्हें समझी नहीं। फोन तुम्हारे पास रहेगा मेरा भी। अच्छा लोकेशन के चक्कर में कह रहे हो? नहीं लोकेशन या हम गाड़ी साथ रहेंगे तो। अच्छा ओके ओके गाइस, चाचा भी फुल रेडी हो गया। चाचा ड्रेस अप तो ऐसे बढ़िया ही होते हैं। चाचा व्लॉग व्लॉग को हाय बोलो, व्लॉग को कैमरा को। ये रहा Later. मैं इवेंट से थोड़ा जल्दी निकल गई क्योंकि मतलब कोई जानती नहीं थी किसी को, एंड जिनसे मिलने गई थी उनसे मिल के निकल गई, तो मुझे पता चला पापा ने अपने लिए डोसा बाहर ऑर्डर कर रखा। पापा तुम मेरे पीठ पीछे गलत काम कर रहे हो। नहीं मैं आ गई जल्दी, इनको उम्मीद नहीं थी, इनको अपना खा पी के अपना चलते आगे, बट मैं जल्दी आ गई, मैंने मैसेज कर दिया कि पापा मैं आ ही रही हूँ। अभी हम चल रहे हैं, चाचा को हमने ड्रॉप कर दिया उनके घर, तो बस अभी मैंने घर पे खाना ऑर्डर किया है। हाँ क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं ना, मैं तो निकली गई थी तो भूख लगी थी, तो मैं आ गई हूँ, जस्ट आई हूँ। मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, क्यों कर दिया था मतलब रास्ते में, अब तो आ गया है क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ खाया नहीं था एंड भूख तो लगी थी गाइस, भूख तो लगती है। तो जस्ट अब मैं खाऊंगी एंड देन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शूट करनी है जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ अगर मैं थोड़ा बहुत रेडी हो रखी हूँ तो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अदरवाइज फिर बहुत लेट हो जाएगा। मैं काम बहुत टालती हूँ, मेरी बहुत बुरी आदत है, बट एनीवे ठीक था। बस मैं स्कूल की सीनियर से मिली एंड देन आ गई थी, सही टाइम पर आ गई थी, तो लेट नहीं हुआ, सही टाइम पर घर आ गई हूँ। बाकी अभी वीडियो शूट मम्मी करेगी, एक तो पता है
हमारे घर में जब वीडियो शूट्स होते हैं, मतलब मान लो मेरे ऊपर चैलेंज वीडियोस होते हैं कुछ भी, तो पहले तो हमारी लड़ाई होती है क्योंकि किसी को कुछ पसंद नहीं आता, किसी को कुछ पसंद नहीं आता। हर शूट से पहले हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई होती है, कोई समझ नहीं सकता ये उस वीडियो को देख के कि इससे पहले हम बिल्कुल एक दूसरे को मारने पे आ गए थे। बट अभी भी यही होगा थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे पास मम्मी के अलावा कोई है नहीं शूट करने के लिए गाइस, तो फिर चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ हो, बाद में फिर उन्हीं से करवाना पड़ता है। अभी मैं सबको ये बता, मतलब व्लॉग में ये बता रही थी कि जब हम वीडियो शूट करते हैं तुम्हारी कितनी लड़ाई होती है, तुम्हारी मेरी या मेरी पर्व की या तुम्हारी पर्व की होती रहती है। शूटिंग से पहले हम बिल्कुल बहुत खतरनाक मूड में होते हैं, 2 मिनट में हम शांति से फटफट शूट कर लेते हैं। ये भी बता दो कि पैसे मांगते हैं शूट करने के, मेरे से एक बार मांगा था। क्यों मांगा था? वो ऐसे ही बोल दिया था। नहीं, पैसे मांगते, कहती मेरे को दिया कर, चलो करो, तो देना चाहिए, पैसे नहीं देते तुमको, कायदे से तो देना चाहिए, कायदे से पैसे नहीं देते, कैसे वाला पैसा देने, कैसे वाला पैसा लाती हूं ना, तो पैसा डायरेक्ट कैश दो यार। मेरा खाना आ चुका है, मैं खाके थोड़ा सा वीडियो शूट करूंगी। मैं दिखाऊँ मैंने मंगाया क्या है। वैसे मेरा सेम ही ऑर्डर होता है हमेशा, नॉर्मल आलू टिक्की एंड मैकपॉप। ओ, इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, ये मैंने बहुत दिन बाद मंगाया है, चेंज हो गई है, रेड हुआ करती थी। चलो ये मम्मी के लिए का, ये मत सोचना दोनों मेरे हैं। खा लिया है मैंने, एंड अब मैं शूट करूंगी। बाकी मुझे एक बात मैंने नोटिस करी, मुझे गाइस गाइस बोलने की इतनी गंदी आदत लग गई है ना, कि कल मैं एक वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसमें गलती से फ्रंट कैमरा की जगह बैक कैमरा हो गया, तो मेरे मुंह से निकला वो सॉरी गाइस, गलती से कैमरा वो हो गया। बहुत आदत लग गई है मेरे को, बट ठीक है क्योंकि मैं व्लॉग्स बहुत पोस्ट कर रही हूँ ना, बताना कि कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स। ऑल्सो मेरे रूम का एसी उड़ गया है, मतलब जो ये चीज़ होती है ना, जो भी बोलता है ये टूट गया है, गिर भी गया है, मतलब अपने किसी भी तरह टिकाया है, तो आज मैं पर्व के रूम में सोऊंगी, और मुझे तो वैसे भी उसके रूम में जाने का बहाना चाहिए, तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ। जितना टाइम लग जाए मेरे एसी को बनने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्सो एक चीज़, ये एग्जीबिशन है 3rd and 4th को, वैसे मेरा प्लान नहीं था अब जाने का, क्योंकि आज मैंने एक इवेंट, प्री इवेंट जो था उनका वो अटेंड कर लिया था, तो मैं सोच रही थी कि ना जाऊँ, बट अब मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, जो ये पास है इस पर 2 एंट्री है ये लड़कियों का, ये मतलब ऑब्वियसली लड़के क्या ये वाला एग्जीबिशन अटेंड करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ किसी सब्सक्राइबर के साथ जाऊँ, फीमेल सब्सक्राइबर जो इंटरेस्टेड हो मेरे साथ एक दिन बिताने में 3rd या 4th में से, प्लस जो डेली की हो। तो इस व्लॉग के नीचे जिसका मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, जिसका भी मेरे को, मतलब सारे अच्छे कमेंट होते हैं, मेरे को सारे अच्छे लगते हैं, मैं सबको दिल देती हूँ, बट जिसका मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, लड़की होनी चाहिए, दिल्ली की होनी चाहिए, प्लस अवेलेबल होनी चाहिए 3rd को या 4th को, चलो 3rd को, तो मैं उनको चूज करूंगी एंड उनको, उनसे कॉन्टैक्ट करूंगी। तो मुझे लगता है ये वाला आइडिया कूल है, आई होप कूल हो, आई होप काम करे ना, आई होप कोई इंटरेस्टेड हो मेरे साथ जाने में। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स। बाय।